क्या हो गया भाई साहब? बैठ जाओ आप। कितने दिन हो गए तुम्हें यहाँ? हमें दो दिन हो गया। दो दिन, तीसरा दिन है। अच्छा भाई साहब, तीसरा दिन है। फंस गया मैं तुम्हारे चक्कर में आके। क्यों, ऐसे क्या हो गया तुम्हारे साथ बुरा? भैया लाइक ही नहीं हूँ ट्रिप ट्रिप। तुम अपने दिल्ली में घूमो, रील्स बनाओ, फोटो खिंचवाओ, खुश रहो। कोई बोल ये चीज? मैं तो, तू पूछ रहा मैं तुझे बोलूंगा। ये नहीं पूछ रहा, मैं नहीं बता रहा। और तू ढोर? फुल मजे कर रहा भाई। वो किस चीज की कमी थोड़ी है? एक ये आई देख, ये गए कमजोर। ये आ गई कमजोर लड़की, छुप रही है। खत्म। बस हल्का सा हवा का झोंके आते, चाय के साथ गिरे इधर। देख कैसे बैठी है। मैं हल्का सा हवा का झोंका चाहिए, हल्का सा। पर ये ऐसे एंड है। हाँ फिर तो भैया। ओ भाई स्मार्टी हैंडसम हंग, अगर बोल लूं। अरे मैं भी रेडी हो जाता, बट मैंने सोचा पहले इनका सीन ही देख लें क्या है। चलो गाइस मैं चाय पी के मिलता हूँ, बाय। सो गाइस वीडियो आगे बढ़ाने से पहले मैं आप लोग को एक प्रोडक्ट के बारे में बताना चाहता हूँ, जो कि है वाओ लाइफ साइंस का क्रिल ऑयल। पहली बात तो वाओ के प्रोडक्ट मेरे को बहुत अच्छे लगते हैं पर्सनली, एंड मैं यूज भी कर रहा हूँ। और गाइस अभी बात करते हैं हम क्रिल ऑयल की। इसमें हमें मिलता है EPA, DHA एंड Omega-3। एंड गाइस ये हेल्प करता है आपके हर्ट और ज्वाइंट हेल्थ को मेंटेन करने में, एंड आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल भी हेल्दी रखता है। सो गाइस अब आते हैं इसकी पैकिंग और इसकी क्वांटिटी पे। इसमें आपको 30 सॉफ्ट जेल कैप्सूल्स मिलती है, एंड आप सिर्फ दिन में एक खानी है आपको। एंड गाइज ये ग्लूटेन फ्री भी है, तो अगर आप लोग ये बाय करना चाहते हैं तो लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन में होगा। आप उस पर क्लिक करके डायरेक्ट वाओ की वेबसाइट पे भी जा सकते हैं, एंड उनका एप्लीकेशन भी है, आप वहाँ पे भी चेक कर सकते हैं, एंड वहाँ आपको और भी प्रोडक्ट की इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। एंड सबसे बेस्ट चीज़ ये है कि इनके हर प्रोडक्ट पे ऐसा एक QR कोड होता है, तो इसको आप स्कैन करके पता भी कर सकते हैं कि ये प्रोडक्ट ओरिजिनल है या फिर डुप्लीकेट है। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, अगर आपको बाय करना है तो क्लिक करो, जाओ, एंड मेरा कूपन कोड यूज़ करना जो स्क्रीन पे आ जाएगा। मैं एक बार ही बोल भी देता हूँ, कूपन कोड है मेरा विशु। तो फटाफट लिंक पे जाओ, बाय करो, एंड एंजॉय योर सीमलेस शॉप एक्सपीरियंस। बाय। तो गाइज अभी यहाँ पे प्लान बन चुका है कि हम लोग जा रहे हैं मसूरी, बट अनफॉर्चुनेटली एक सीन भी हो गया कि हमने जो गाड़ी बुक करी थी वो ऑलरेडी बुकिंग पे जा चुकी है, मतलब वो भी मसूरी साइड ही गई है, बट वो पहले हमसे पहले किसी और को लेके निकल गई। तो अभी हमें देखना है कि हम वहाँ पे जाएंगे कैसे, देखते कुछ जुगाड़ करते हैं, भैया से भी बात करेंगे एंड उसके बाद जुगाड़ करते हैं। बाकी सब लोग तैयार हो चुके हैं, बस दो जन नहा रहे हैं, साहू भी, और उसके बाद फिर चलो जैसा होगा मैं तुमको बता दूंगा। बाय। तो गाइज अभी हम लोग जा रहे हैं थोड़ा ऊपर बैठने के लिए, हमें यहीं पे वेट करना पड़ेगा, नहीं तो हम बाहर कहाँ ही जाएंगे, क्या ही करेंगे बाहर। एक तो गर्मी भी बहुत हो रही है, दिन के टाइम यहाँ पे गर्मी है, और बाकी इस रिजॉर्ट की हमें बहुत याद आएगी, हमने बहुत मज़े किए हैं यहाँ पे। दो दिन हम कहीं घूमने नहीं गए क्योंकि हमें यहीं मज़े आ रहे थे। तो बाकी देखो यहाँ से चल रहे हैं, अभी ऊपर जाके बैठेंगे, देन मैं तुम्हें दिखाता हूँ, थोड़े बहुत फन होता है तो। और बाकी गाड़ी आ रही है तो चलते हैं। एंड बाकी हाँ, मैं आज का इंट्रो तो स्टार्ट करना भूल ही गया। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू यूट्यूब वीडियो, जो कि आज हमारा day 3 यहाँ पे। तो देखते हैं हमारा day 3 कैसा जाता है। तो बाकी चलो बाय। बाय बाय लोग, बाय 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 बाय, बाय साहू, बाय 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 बाय, साहू जा रहा है, बाय साहू, फुल सेलिब्रिटी वाली फीलिंग ले रहा है अभी, बाय बाय करके जा रहे हैं, बाय 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 बाय। बस नहीं था, अगला हमारा इवेंट जाऊंगा वहां बुला लेंगे। पहला जा भोसड़ी के दिमाग की साइड, बाय बाय, यू ऑल लव यू, बाय। एक स्कूटी बंद हो गई, बाय बाय, ध्यान से लेके जाइए भाई इनको, वैसे रोड पतले हैं, चलो बाय बाय, ध्यान से जाना, बाय। अच्छा लगा तुम्हारे रिजॉर्ट में, उस भाई से भी मिल के आता हूँ, बाय भाई, अच्छा लगा तुम्हारे रिजॉर्ट में आके, आते रहिए, बिल्कुल भैया, चलो ठीक है, बाय बाय, बाय बाय रिजॉर्ट। तो गाइस अभी हम लोग जा रहे हैं यहाँ से, और हमने रिजॉर्ट वालों को कर दिया है बाय बाय,
बहुत अच्छे लोग थे, बहुत याद आएगी इस रिजॉर्ट की। एंड वहाँ पे एक भैया मेरा व्लॉग भी देखते थे, तो भैया अगर आप व्लॉग देख रहे हो तो थैंक यू सो मच, हमें बहुत अच्छी लगी आपकी सर्विस। बस खाना थोड़ा एक्सपेंसिव था आपका, बाकी तो बहुत अच्छा था, कोई दिक्कत नहीं थी। और ऐसा कुछ व्यू है यहाँ का। तो अभी हम लोग निकल रहे हैं मसूरी के लिए, तो देखते हैं ऐसे कैसे जाएंगे। बाकी चलो गुड बाय बाय, टेक केयर। व्लॉग ख़त्म नहीं हुआ है, व्लॉग चालू है, व्लॉग के लिए अभी अपन चल रहे हैं। चलो बाय बाय। और ये था होटल हमारा, बहुत अच्छा लगा। चलो सो गाइस, अभी हम लोग मसूरी आ चुके हैं एंड बहुत पूरी तरीके से आए। मैं पूरे रास्ते सोता हुआ आया हूँ, बिकॉज मेरे को उल्टी जैसा मन हो रहा था, क्योंकि मसूरी आते हुए ना ऊपर आते हैं पहाड़ के एंड यूँ ऐसे 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 पूरा रास्ता होता है। दामिनी की भी उल्टी जैसी हालत हो रही है, और वो लोग तो चले गए थे, हम चार आए हैं। आपको मेरी आंखों में भी नींद दिख रही होगी, मैंने बालों में भी चोटी बांध ली है, देखो बालों में भी चोटी बांध ली, और बहुत ज़्यादा सर दर्द भी हो रहा है। तो अभी देख रहे हैं यहाँ पे रूम, अंकल लोग लेके जा रहे हैं हमको, और यहाँ पे भी कुछ बहुत अच्छा व्यू है। तो देखेंगे कोई अच्छा सा होटल वगैरह देख के, वहाँ पर रुक के फ्रेशन अप होके देन मैं तुम लोग को मिलता हूँ दोबारा से। सो बाकी एक नंबर बातचीत है। चलो भाई, भाई हमारी परिया ये तो पूरे रास्ते चिल करती हुई आई है। तो चलो बाय गाइस, मिलता हूँ मैं थोड़ी देर में, बाय बाय। सो गाइस, अभी मैं रेडी हो चुका हूँ पूरा। मैंने मतलब यहाँ पे ना थोड़ा टेम्परेचर हमारे बॉडी के अकॉर्डिंग थोड़ा ज़्यादा है, तो अभी हम लोग जा रहे हैं बाहर थोड़ा बहुत कुछ खाने पीने एंड थोड़ा एक्सप्लोर करेंगे कि इधर क्या क्या है क्या क्या नहीं। और अच्छा है बहुत, इसका लेन बहुत अच्छा है। हटे हटी आए भी तो कैसे लग रहा है मेरा आउटफिट, मेरे को बताओ। अरे एक मिनट, ये सॉक्स भी पहन लिया मैंने, एक सॉक्स मेरे को बहुत प्यारा लगा ये। चलो तो अपन नीचे चलते हैं। दारू की बोतल लिया हमने भैया के लिए। ये देखो बहन हो तो ऐसी, भैया के लिए दारू की बोतल लेके जा रही है। कुछ ऐसा है यहाँ पे माल रोड, मैं तो फर्स्ट टाइम आया हूँ, हर जगह होती है माल रोड मैंने ऐसा सुना है, मतलब शिमला हो गया, मनाली हो गया, मसूरी में भी हो गया, मसूरी में तो मैं घूम ही रहा हूँ खैर, तो हर जगह होती है माल रोड, मैंने फर्स्ट टाइम देखी है माल रोड ऐसी होती है। मतलब कुछ नहीं है यहाँ पे ज़्यादा, खाने पीने की जगह है, शॉपिंग की जगह है, और ऐसा कुछ माहौल है देख सकते हो आप लोग। अरे डॉगी से मेरे को बहुत डर लगता है। और ये शॉप्स हैं नॉर्मल, और देखा है कहीं पे मेरे को जाना चाहिए। चलो हमें जाना चाहिए, होटल जाके बात करता हूँ। अलाउड नहीं है यहाँ पे, वीडियो अलाउड नहीं है, वीडियो अलाउड नहीं है। ओके, अभी हम लोग आए हैं खाने पीने, थोड़ा सा भूख लग रही थी बहुत ज़्यादा, और हमने आके जब से खाया नहीं था। अब हम खाना खाएंगे तो उसके बाद मैं तुम्हें मिलूँगा, बाकी खाना आएगा तो मैं दिखाता हूँ हमने क्या मंगाया। और अरे दोनों ऐसे घूर रहे हैं, लगी पड़ी है एज यूजुअल जो काम है इसका। गलत है नहीं। तो गाइस हमारा खाना आ चुका है फाइनली, एंड हम खाने जा रहे हैं थोड़ी देर, मतलब थोड़ी देर में क्या अभी खा रहे हैं। ये सब डालो गाइस, मैं ये करने वाला हूँ। क्या है भी इसका नाम, वर्चुअल रियलिटी, फर्स्ट टाइम कर रहा हूँ मैं, देखते हैं डर लगता है कि नहीं। डरने का नहीं, इसमें तो सांस ही नहीं आ रही। सांस नहीं आ रही विशाल, तेरा ये बंद हो गया विशाल, छोड़ दो। मैंने पूछा भैया, क्या
ये लग रहा था इसको देख बाहर कर रही है सबको पहुंच भी गया राउंड टू आ गया तुम चाहिए तो गाइस हम लोग वहाँ से गेम्स वगैरह खेल के निकल गए। हमने खाना भी खा लिया और अभी देख रहे हैं कुछ और इंटरेस्टिंग सा इस माल रोड पे। अगर कुछ मिलता है तो ठीक है, वरना जाएंगे होटल में। और आज का स्टे हमारा यहाँ पे, कल हमारा प्लान है हम दिल्ली निकल जाएंगे। बिकॉज इन दोनों लड़कियों को मम्मी पापा की बहुत याद आ रही है अपने, तो ऑब्वियसली बात है अगर लड़कियों को लेकर ट्रिप पे आओगे तो तुम ढंग से चिल नहीं कर सकते, ऐसा मेरा कहना है, बाकी तुम लोग देख लो। तारीफ नहीं, मैं इनको वो कर रहा हूँ, अलर्ट कर रहा हूँ कि अगर तुम लोग लड़कियों को लेकर ट्रिप पे आते हो कि फिर तुम चिल नहीं कर सकते, स्पेशली बॉयज लोगों को बोल रहा हूँ, क्योंकि इन लोग को बड़ी जल्दी मम्मी पापा की याद आने लग जाती है, फिर उसके चक्कर में ना हमारा ट्रिप डिस्ट्रॉय हो जाता है पूरी तरह। हाँ, मेरे को उसमें वॉमिटिंग, मतलब उन्होंने ना ऐसा माहौल क्रिएट कर रखा है उसमें की ऐसे बीट कर दिया, नीचे बीट कर दिया, कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे। मेरे को राइड्स वगैरह में बहुत डर लगता है, उल्टी वॉमिटिंग हो जाती है। मैं आज हम लोग आए वहाँ से देहरादून से मसूरी, तो हम ट्रैवल करते करते भी मेरे को वैसा हो गया था कि मेरे को उल्टी हो जाएगी, तो हो जाता है। बाकी चलो कुछ इंटरेस्टिंग ढूंढते हैं, उसके बाद मैं तुम्हें मिलता हूँ, बाय। तो गाइस एज यूजुअल हम लड़कियों को छोड़ के आ गए और मेरे साथ है दुशांत, वो लोग गए मेकअप शेकअप देखने। तो गाइस ये है पूरा मसूरी, बहुत ऊपर से मतलब पूरा मसूरी कवर हो रहा है कैमरे में, शायद तुम्हें रियल में पूरा नहीं दिख पा रहा होगा, बट यहाँ से बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहा है, बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहा है। हम यहीं घर ले ले। नहीं, यहाँ पे बहुत दिक्कत है, बहुत ठंड भी हो रही है और रात का टाइम हो रहा है। माल रोड इतनी थी, बस ख़त्म होगी, ऐसा चाहे कुछ नहीं है, कैफेज़ वगैरह हैं, तो हम लोग तो खाना खा चुके, तो अब इतना कुछ हिम्मत पेट में जगह ही नहीं कि वो कुछ और खाएं। बस हम लोग को बहुत भूख लगी थी, शुरुआत में ही खा लिया। बाकी यहाँ पे ज़्यादातर सामान ना बॉयज़ का है, मतलब बॉयज़ करो गर्ल्स का है, सॉरी बॉयज़ के लिए कुछ मिल ही नहीं रहा, मैंने कुछ लिया ही नहीं, ना दुशांत कुछ ले पाया अभी तक। बाकी चलो फिर रूम पे चलते हैं, देन ब्लॉग अपन एंड करेंगे। मैंने ये ले लिया है, क्यों लिया है? मम्मा के लिए, थोड़ा ये अंकल, थैंक यू अंकल, थैंक यू। गाइस फाइनली मैं घर आ चुका हूँ, मैंने एक जॉगर लिया है। देखो ये चार्ज पे लगा रखा है क्योंकि बैटरी लो गई थी, तो मैं ज़्यादा एक्सप्लोर नहीं कर पाया, ना तो मैं दिखा पाया, मेरा फ़ोन भी डेड था, सो सॉरी फॉर डैट। बस यही, आज का दिन बहुत अच्छा था हमारा, बाकी सुबह उठेंगे देन हम लोग निकलेंगे घर के लिए। सो गाइज अभी हम लोग होटल से निकल चुके हैं, चेकआउट वगैरह कर लिया हमने, एंड यहाँ से थोड़ा ब्रेकफास्ट करके देन हम लोग जाएंगे देहरादून, बिकॉज शाम की ट्रेन है,
और मैं खा रहा हूँ अभी छोले कुलचे और बाकी लोग उधर खा रहे हैं, उधर ही खा रहे थे वो लोग, और क्या बोल सकते हैं। और बाकी छोले कुलचे अंकल बना रहे हैं, बहुत अच्छे अंकल हैं। अंकल हाय कर दो। हाय। बहुत अच्छे अंकल हैं। हेलो, बाय बाय अंकल। बाय बाय। कहीं जाकर खाने मेरे को मतलब छोले कुलचे बहुत ही ज़्यादा यम्मी थे। तो अभी मैं जा रहा हूँ उन लोगों के पास, देन हम लोग यहाँ से देहरादून के लिए निकलते हैं। तो मैं तुम्हें मिलता हूँ देहरादून, यहाँ से एक डेढ़ घंटे का रास्ता ज़्यादा दूर नहीं है, तो मैं तुम्हें डायरेक्ट देहरादून मिलता हूँ। बाकी चलो एक मिनट देखता हूँ इन्हें क्या कर रहे हैं। हो गया भाई, हुआ नहीं तुम्हारा अभी तक? अरे भसड़ो भाई, रहो बस। तो गाइस मैं तुम्हें मिलता हूँ इसका खा के। बाय बाय। कर ले। ये अपने में लगे पड़े हैं। लास्ट डे तो मैं कैसा लग रहा है, मन कर रहा है दिल्ली जाने का? हाँ, बहुत मन है मेरा दिल्ली जाने का। ये तो झूठी, कल से खुद ही बोल रही है। इसका तो नहीं कर रहा, उसका तो नहीं कर रहा। भैया कॉफी ले आए मेरे लिए। थैंक यू भैया। आते हुए जा रही है लास्ट टाइम भी। प्लेटें भी चाटे की चलना। तो गाइस अभी खा पी के हो गया सबका एंड हम लोग जा रहे हैं देहरादून के लिए, भी निकल रहे हैं और चलें बुला इनको भी। हो गया हमारा पूरा। तो अभी मैं तुम्हें ट्रेन में बैठ के डायरेक्ट मिलता हूँ, बस अभी थोड़ा बहुत वीडियोस भी बनाना है, तो वो हम देहरादून जाके बनाएंगे अगर टाइम बचा तो, नहीं तो फिर मैं तुम्हें डायरेक्ट ट्रेन में मिलता हूँ। तो बाय बाय। तो गाइस फाइनली हम लोग रेलवे स्टेशन आ चुके एंड ये ट्रेन है, ये हमारी ट्रेन है जो कि अभी खुली नहीं है क्योंकि हम लोग टाइम से पहले आ गए हैं, क्योंकि हम लास्ट टाइम की तरह चाहते नहीं थे कि हमें भाग भाग के ट्रेन पकड़ना पड़े। लास्ट टाइम हमने बहुत गंदी तरीके से ट्रेन पकड़ी है, चेन पुलिंग भी हुई थी मेरे ख्याल से, बट ट्रेन रुक गई थी इतना पता है। तो फिलहाल अभी हम लोग यहाँ बैठे हैं और मैं सोच रहा हूँ थोड़ी बहुत रील्स बना लूँ, बिकॉज मेरे पास वीडियोज़ नहीं है डालने के लिए, बिल्कुल भी नहीं। और बुरा लग रहा है, हम लोग यहाँ से जा रहे हैं देहरादून की बहुत याद आएगी, मसूरी की याद आएगी। हमने थोड़ा बहुत मतलब चिल किया था, हमने एक्सप्लोर नहीं करा ढंग से, बिकॉज फ्रेंड्स लोगों में तो यही होता है, हम रिजॉर्ट में रुके, रिजॉर्ट में ही रह गए दो दिन, तो रिजॉर्ट में ही रह गए। तीसरे दिन मसूरी गए एंड वहाँ पर एक दिन स्टे करा, फिर अभी वापस देहरादून आए क्योंकि रेलवे यहीं से ट्रेन थी हमारी, तो बस वही। और ये ट्रेन तो हमारी ऑलरेडी खड़ी है, आप लोग देख सकते हो। तो फिर अब क्या, 5 बजे ये ट्रेन खुलेगी, देखो गेट कितने बजे खुलता है। एंड हमने अपना कोच वगैरह सबको ढूंढ लिया है, सीट भी हमें पता है कौन सी है, खिड़की से देख लिया हमने ऐसे करके कि कौन सी सीट है। तो बस फिर और क्या, बाकी तो याद बहुत आएगी खैर, एंड होप सो दोबारा जल्दी ट्रिप मारेंगे एक और। और यहाँ पे थोड़े बहुत वो भी हमारे मतलब जो हमारी वीडियोस देखते हैं वो भी मिल गए थे, तो अगर आप लोग ये ब्लॉग देख रहे हो, मैं उस टाइम पे तो जल्दी में था बहुत ज़्यादा, बिकॉज हम लोग कहीं जा रहे थे उस टाइम, तो उनको मैं कहना चाहूँगा मुझे बहुत अच्छा लगा आप लोग आए मिले। वो लोग मास्क में पहचान गए थे हमको, मतलब हम चारों को, मेरे को, दुशांत, दामिनी, परी, सबको, तो अच्छा लगा मिल के। तो अभी क्या, अभी चलते हैं फिर, 5 बजे ट्रेन है हमारी। तो कैसे चुपचाप आ रही है, कैसा लग रहा है तेरे को देहरादून से अभी तू जा रही है? मेरे को मसूरी की याद आ रही है, मैं वहाँ पर सिर्फ एक दिन ही स्टे कर पाई और मेरे को इस बात का भी गम है, कुछ नहीं होगा। और मेरे को इस बात का भी गम है कि मैंने इस पूरी ट्रिप में एक विशाल मेरी एक भी एक सिंगल पिक्चर नहीं है, मैं कुछ बात का गम। फोटो तो अभी खींच लेंगे उसकी, मेमोरीज के लिए कोई पिक्चर नहीं है मेरे पास, मेमोरीज के लिए सारे पूरा व्लॉग पड़ा है हमारे पास, तो पिक्चर की बात कर रही है। हाँ कोई बात नहीं, तो बस वही गाइस, फिर अभी ब्लॉग एंड करता हूँ मैं और क्या, क्योंकि अभी तो बस घर ही जाना है ना, और तो अभी घर ही जाना है, ब्लॉग एंड करते हैं। सो अगर आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा तो मेक श्योर यू डिड लाइक एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल एंड दिस वीडियो एंड दिस ब्लॉग, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर, इसके भी सुन लो। ओ हाउ आर यू ब्रो, व्हाट इज अप, इग्नोर कर गया ये तो, जैसा कोई कर रहा था। तो गाइस चलो बाय बाय, कॉल आ गया साहू का, फिर बाय, अगली बार अगली ट्रिप पे मिलूंगी, बाय। यू विल मिस देहरादून, क्यों भाई तूने तो कुछ किया ही नहीं, इसलिए तो मिस करूंगा। कुछ किया होता तो क्यों मिस करते, नेक्स्ट टाइम करेंगे मनाली में, है ना। सो गाइस हम लोग फाइनली ट्रेन में बैठ चुके हैं एंड बैठ चुके हैं, और क्या बस, और क्या कुछ और भी कुछ है क्या, बस ट्रेन में बैठ चुके हैं और हम जा रहे हैं
अब इसके बाद मैं कैमरा बिल्कुल नहीं उठाऊंगा, क्योंकि पूरे ट्रिप पे तो मैंने ऑलमोस्ट इन्जॉय नहीं किया जितना मैं चाहता था। बट ठीक है, हम लोग प्लान कर रहे हैं, लेकिन मैं और दुशांत प्लान कर रहे हैं कि हम दोबारा आएंगे, बट लाइव बनाएंगे ना, कोई कैमरा ना ब्लॉग बनाएंगे, स्टोरीज आएंगे बस, ना ब्लॉग ना कैमरा उठाएंगे ना कुछ, सिर्फ रील स्टोरीज इंस्टाग्राम से बस खत्म। तो हमें तक इंस्टा पे फॉलो कर, वो भी अभी वो भी अभी पक्का नहीं हो रहा, क्योंकि लड़ाई चल रही है यहाँ पे। हम तीन ही दिख रहे होंगे तुम्हें, मैं, दुशांत और वो दामन, वो चल रही है उधर बैठ के, वो गुस्से में, मैंने बोला उसको कि मैं और दुशांत दोबारा आ रहे हैं हम कार से, तो वो गुस्से में जाके गेट पे खड़ी हो गई। पहले तो ट्रेन में नहीं चढ़ रही थी, ट्रेन में चढ़ गई अब और वहाँ खड़ी हो गई गेट पे। तो देखते हैं अगर दोबारा प्लान बनेगा तो अपडेट तो मैं कर दूँगा इंस्टा पे। और हाँ, आप इंस्टा पे फॉलो कर लो, लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा मैं। बाकी चल रहा है, सब चल रहा है। ट्रेन कब चलेगी? ट्रेन 5 बजे चलेगी और अभी टाइम हो रहा है 4:58, 2 मिनट में चल जाएगी हमारी ट्रेन। Yes. क्यों हंस रही हो, क्या हो गया? 2 मिनट में बजने चलने वाली है, आधा पता ही नहीं है। गेट पे होगी भाई, मेरी चेक मार जाइए उसका, कभी कूद जाए। कैसा लग रहा है अंकल जैसा? तू गया नहीं बार बार शॉप, तेरे ढूंढ के लाया था मैं पूरी मसूरी में। तो चलो गाइस, बाकी तो ऑल सेट, अब तुम्हें मिलेंगे हम दिल्ली में, बाय।